दोस्तों, आखिर बीजेपी अपनी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ क्या एक्शन लेने वाली है? चुनाव के दौरान आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने डीप फेक और फेक वीडियोस और फोटोज को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी, फेक न्यूज़ को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी, और वो अमूमन इस तरह की चिंताएं जाहिर करते रहते हैं। लेकिन खुद उनकी पार्टी की एक सेलिब्रिटी सांसद नेता प्रतिपक्ष पर एक बेहद ही घटिया, एक बहुत ही घटिया फोटो न केवल शेयर करती है बल्कि उसको ओन करती है। दोस्तों, कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी पोस्ट की है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा भी नहीं सकती। साफ तस्वीर दिखाना इसलिए भी ठीक नहीं है क्योंकि ये राहुल गांधी की तस्वीर है और राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर है। दोस्तों, कांग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कंगना रनौत ने बहुत ही घटिया फोटो ट्वीट की और ये फोटो पूरी तरह से झूठी है, एडिटेड है, फोटोशॉप फोटो है। इस फोटो में राहुल गांधी के गले में क्रॉस, यानी कि जो क्रिश्चियन लोग पहनते हैं, वो दिखाया गया है। माथे पर तिलक दिखाया गया है और सर पर जो हमारे मुस्लिम भाई टोपी पहनते हैं वो दिखाई गई है। ये फोटो पहली नज़र में कोई अनाड़ी भी देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा फोटो एडिटेड फोटो है, बिल्कुल ख़राब फोटो है, गलत फोटो है। दोस्तों, इस फोटो के नीचे कैप्शन लिखा गया है, जाति जीवी जिसे बिना जाति पूछे जाति जनगणना करानी है। दोस्तों, राहुल गांधी ने जब से जातिगत जनगणना को लेकर मुद्दा उठाया, चक्रव्यूह वाला बयान दिया, तब से लगातार वो बीजेपी के निशाने पर है। पहले अनुराग ठाकुर ने भरी संसद में राहुल गांधी की जाति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिसे अपनी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। राहुल गांधी ने कहा कि आपको मुझे जितनी गाली बकनी है बकी है, लेकिन जातिगत जनगणना तो हम करा कर रहेंगे। इसके बाद कंगना रनौत एक कदम आगे बढ़ गई, उन्होंने राहुल गांधी को कह दिया कि वो ड्रग्स लेते हैं, मुझे शक है कि वो नशा करते हैं, उनका टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद कंगना रनौत लगातार उन पर गलत बयानी कर रही थी, लेकिन अब तो हद हो गई। दोस्तों, जातिगत जनगणना को लेकर इतना जहर कंगना रनौत के अंदर भरा हुआ है क्या कि वो नेता प्रतिपक्ष जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, राहुल गांधी को लेकर एक एडिटेड फोटो ट्वीट कर रहे हैं। दोस्तों, ये मामला बिल्कुल हल्के में आप नहीं ले सकते, और ये केवल राहुल गांधी के साथ नहीं है। अगर इस तरह का मामला किसी दूसरे नेता के साथ भी होता ना, तो भी हर लिहाज से ये खबर आपत्तिजनक है। सत्ताधारी दल की एक सेलिब्रिटी सांसद जो संसद आती हैं तो उनके इर्द गिर्द मीडिया के कैमरे कैद, उन्हें कैद करना चाहते हैं, उनकी हर खबर हेडलाइन बनती है, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे शख्स का इस तरह से मखौल उड़ा रही है, और उससे भी ज़्यादा मखौल उड़ा रही है वो हमारे देश में रहने वाले तमाम क्रिश्चियन भाई, मुस्लिम भाई और हिंदू भाइयों का। मतलब हिंदुओं की आस्था को अब ठेस नहीं पहुंच रही है जब राहुल गांधी के माथे पर गलत तरीके से तिलक लगाकर उनकी फोटो फोटोशॉप करके कंगना रनौत वायरल कर रही हैं? क्या क्रिश्चियंस की भावना नहीं है जो उनके क्रॉस को इस तरह से दिखाया जा रहा है? क्या मुसलमानों की भावना नहीं? कोई तरीका है दोस्तों, कोई ढंग है ये? अगर आपकी किसी वैचारिक मतभेद है किसी नेता से, तो आप अपने वैचारिक मतभेद जुबान के जरिए आप अपने मतभेद जाहिर कर सकते हैं, जो कि तमाम बीजेपी वाले कर ही रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक लगातार कंगना रनौत कर रही हैं, और अब तो उन्होंने इस तरह की फोटो शेयर करके हद पार कर दी है। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी इनके खिलाफ एक्शन लेगी? क्या कंगना अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगेंगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।